एक बार फिर से आप सभी का वेलकम्स है आज के इस वीडियो के अंदर। तो आपको देखिए एक बार फिर से यहाँ पर आपकी जो है डेट एक्सटेंड कर दी गई है, और ये जो डेट एक्सटेंशन का जो कीड़ा है यहाँ पर, ठीक है, ये जो इंसेक्ट है ये यहाँ पर लग चुका है इतनी भारी गर्मी के अंदर भी, और डेट को एक बार फिर से पुनः एक्सटेंड कर दिया गया है आपकी 19 मई तक। ठीक है, 19 मई तक आपका ये डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो सबसे पहली बात तो ये कि आप बिल्कुल ही नॉन सीरियस कैंडिडेट काउंट किए जाएंगे, और अगर अभी तक आपने मान के चलिए आप सीरियस थे और आपने लास्ट डेट तक का वेट किया एंड देन स्टिल किसी कारणवश आप नहीं भर पाए, सर्वर एरर हुआ या वो सब चीजें हुई, स्टिल आप जो है यहाँ पर एक नॉन सीरियस कैंडिडेट काउंट किए जाएंगे। क्योंकि अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो आपने फर्स्ट बार में ही भर लिया होगा या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेकेंड बार में ही आपने यहाँ पर भर लिया होगा, तो दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है यहाँ पर। अगर आप अभी आप फॉर्म भर रहे हैं तो भी आप जो है यहाँ पर आपके पास अभी भी एक महीने का समय है, थोड़ी सी तैयारी आप अच्छे से करेंगे तो आप जो है अच्छा स्कोर करेंगे इस बारी, इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो एनटीए ने आपके लिए यहाँ पर एक बार फिर से देखिए इस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है 19 मई तक, और उन्होंने जो है ऑफिशियली इसको नोटिफाई भी किया है। तो इसके क्या प्रोज है क्या कॉन्स है उन सबके बारे में बात करते हैं इस वीडियो के अंदर। गुड आफ्टरनून एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चैनल के ऊपर, जहां पर आप करते हैं अपनी धमाकेदार तैयारी। कौन से सब्जेक्ट की आप करते हैं यहाँ पर? साइकोलॉजी की, मनोविज्ञान की, सिकोलोहिया की, और जो भी आप जिस भी भाषा में आप बोलते हो इसको उसकी, मनशास्त्र बोलते हैं जो भी आप बोलते हैं इसको, साइकोलॉजी की तैयारी यहाँ कराई जाती है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जैपनीज, चाइनीज, रशियन, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, और जो जो भाषाएं आपको आती है हर भाषा में आप साइकोलॉजी सीख सकते हैं केवल और केवल एकमात्र आपके चैनल के ऊपर, इसका नाम है ये। तो डेट एक्सटेंड हो गई है 19 तारीख को, और कुछ इस प्रकार से उन्होंने जो है आपको यहाँ पर कॉग्निशन में दिया है, संज्ञान में लिया है 19 मई 2024 तक, इससे कोई वास्ता नहीं है। 20 तारीख तक आप पेमेंट कर सकते हैं एंड ये जो है आप करेक्शन वगैरह कर सकते हैं। करेक्शन अगर आपने मान के चलिए फॉर्म वगैरह कुछ दिक्कत वगैरह कर दी है तो ऐसा ना करें, 21 मई से लेकर 23 मई तक का आपका समय मिलेगा, यहाँ पर आप करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, खैर ये सब तो बातें हैं, एक्सटेंशन एग्जाम वो सब चलता रहेगा, लेकिन अगर हम बात करें आज की तारीख में यानी कि 16 मई 2024 की, अगर हम बैठे हैं और बात कर रहे हैं यहाँ पर कि सर हमारी परीक्षा है अब से ठीक एक महीना, 32 डेज आपके पास यहाँ पर लेफ्ट है। ठीक है, 32 डेज आपके पास लेफ्ट है, इसका मतलब यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे। ठीक है, ऑल राइट, तो टेस्टिंग एंड रिसर्च अच्छे से करें, और उसी के साथ साथ यहाँ पर देखते हैं 32 दिन आपके पास बचे हैं और आपको करनी है 10 यूनिट्स अपनी साइकोलॉजी की। अभी आप किस प्रकार से कर रहे हैं वो यहाँ पर डिपेंड करता है। काफी समय से अगर आप फ्री लेक्चर्स देख रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी तैयारी किस प्रकार से, आपकी तैयारी धीरे धीरे ये ग्राफ आपका जो है ये इम्प्रूव हो रहा होगा। ठीक है, ये ग्राफ को आप और इम्प्रूव कर सकते हैं जल्दी जल्दी, कैसे वो कर सकते हैं आप, अगर आप कुछ हमारे कोर्स वगैरह में आप इंटरेस्टेड हैं तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके डिटेल्स वगैरह ले सकते हैं, एंड देन अपने अकॉर्डिंगली मंथली प्लान, वीकली प्लान, डेली प्लान, आर्ली प्लान और ईयरली प्लान आपके लिए मौजूद है, तो उसको आप ले सकते हैं, अपनी तैयारी को और सुनिश्चित कर सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, ओके, तो बात करेंगे इन 32 डेज में आपने जो है अगला क्या करना है उसके बारे में यहाँ पर, कि अगले 32 डेज आपके पास बचे हैं। तो ये देखिए ये जो डेट है आपकी एग्जाम की ये मे भी एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है, डेट अभी एक्सटेंशन आगे हो सकता है, पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि आगे इसको एक्सटेंड किया जाएगा। ठीक है, लेकिन जब तक आपको बताया है 100% नोटिफाइड इंफॉर्मेशन नहीं आ जाए, आपको इस प्रकार की किसी भी अफवाह के रूप में नहीं मानना है। ठीक है, तो ये केवल एक अफवाह है फिलहाल के लिए कि आपके एक्सटेंड हो रहा है, तो इस प्रकार की अभी कोई भी बात नहीं है, लेकिन ये हो सकता है, प्रोबेबिलिटीज की जो है काफी ज्यादा हाई लगती है, क्योंकि अभी देखिए फॉर्म ही भरा रहे हैं वो एक महीने पहले तक, इसके पहले खैर उन्होंने कंडक्ट किया हुआ है, बट स्टिल आपकी प्रोबेबिलिटी बनी हुई है अभी भी कि डेट इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे। अभी जो डेट है आपके पास वो क्या है, वो है आपके पास 18th of June। ठीक है, 18th of June आज से ठीक एक साल पहले 3 दिन पहले आपका जो है 15 जून को एग्जाम हुआ था आपके साइकोलॉजी का, 15 जून का एग्जाम हुआ था, अभी यहाँ पर 18 जून की डेट है, ये आगे एक्सटेंड हो सकती है मे बी। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको मान के चलना है कि आपका एग्जाम जो है 18 जून को ही होने वाला है, अगर डेट एक्सटेंड होती है तो आप उसको अपने अकॉर्डिंगली आगे सुटेबल कर सकते हैं, कुछ नई चीजें आप काम करें, आप पढ़ने से बचें, आपको बताया है नई चीजें पढ़नी होती हैं आपको, लेकिन स्मार्ट तरीके से आपको पढ़नी होती है। ठीक है, पूरा दिन बैठ के आप नई चीजें पढ़ेंगे तो वो काम की नहीं है, सारा दिन अपना रिविजन के ऊपर ध्यान दें, कुछ समय जो है आप अपना जो नई चीजें हैं उसमें वहां पर आप लगा सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, लेकिन वो भी कब लगाना है, जब आप प्रीवियस अपना जो बेसिक कंसेप्ट है उसमें आप यहाँ पर क्लियर हो,
उसके बाद ही जो है आपने इस प्रकार की चीजों में आगे बढ़ना है, अन्यथा जो भी नई चीजें पढ़ेंगे वो आप एक सवाल तो सही करा देगी आपका, लेकिन पिछले 5 सवाल आपके गलत करा देगी। इस बात का यहाँ पर आप ध्यान रखें, ठीक है। खासतौर पर बात करेंगे हम यहाँ पर पेपर और पेपर टू के बारे में कंप्लीटली। पेपर वन तो देखिए वैसे भी आपको मालूम है ना, पेपर वन तो पेपर वन है। पेपर टू की खासतौर पर बात करें, आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 10 तक की सभी चीजें आपके जो है इंपॉर्टेंस देते हुए आपको जो है पढ़ना है इस बारी, क्योंकि पेपर जो है आपका देखिए थोड़ा बहुत अगेन ट्रिकी आएगा, घुमा फिरा के आएगा, थोड़ा बहुत आपको जो है सवालों के नए पैटर्न भी आपको देखने मिल सकते हैं, तो उसके लिए भी आप तैयार रहे, ठीक है। घबराना नहीं है आपको सवालों के पैटर्न से बिल्कुल भी, उससे आपको शेक नहीं होना है, घबराना नहीं है। स्टार्टिंग के 5 मिनट ही डिसाइड करेंगे एग्जाम के दिन कि आप किस प्रकार से परफॉर्म करने वाले हैं, उस 5 मिनट के अंदर आप किस प्रकार से गुणारोपण करते हैं, किस प्रकार से एट्रीब्यूशन करते हैं, वो सब चीजें यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इसलिए आप जो है क्या करके जाए, एट्रीब्यूशन की थ्योरी वगैरह भी पढ़ के जाए। देखिए हर बार आपको सवाल पूछते हैं एट्रीब्यूशन से, गुणारोपण से, ठीक है। या आपसे पूछेंगे FAE के बारे में, फ्री लेक्चर किया हुआ है उसको देखें। या आपसे पूछेंगे सेकेंडरी के बारे में, या आपसे पूछेंगे LI के बारे में, ठीक है, लोकस ऑफ कंट्रोल के बारे में, या आपसे पूछेंगे फ्रिट्ज हाइडर के बारे में, बैलेंस के बारे में, या अन्य चीजों के बारे में आपसे पूछेंगे, ठीक है। तो एट्रीब्यूशन जो है यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी प्रकार से आपको क्या करना है, प्रीवियस वीडियोस में भी देखिए बताया हुआ है आपको कि PYQ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप ये जो है मजीद करके जाएं यहाँ पर कि आप जो है 2019 से लेकर 2023 तक के PYQs आपको करके जाना है, ठीक है। ये सारे PYQs आपको जो है करके जाना है, ये आपके लिए मैंडेटरी है। इसके पहले का अगर आप कर रहे हैं तो सबसे पहली बात, तो थोड़ा सा आप जो है अपना समय थोड़ा सा वेस्ट कर रहे हैं, बट स्टिल ठीक है, आपको लगता है प्रैक्टिस के लिए आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन पहले आप इसको अच्छे से करके जाएं, पहले जब तक आपको इसके सारे सवाल नहीं बनते हैं आप इस पे जंप ना करें, ठीक है। जब तक आपको ये अच्छे से पक्का नहीं हो रहा है इस पे आप यहाँ पर जंप ना करें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए NTA पहली बार आपका जो है ऑफलाइन कंडक्ट करा रहा है, ठीक है, तो कुछ नई चीजें आपको देखने मिल सकती हैं, उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है। लेकिन जो चीज चेंजेस नहीं होगी वो क्या है, वो है आपका कंटेंट आपके सिलेबस का, ठीक है, वो आपका चेंज नहीं होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और आपको ट्राई करना चाहिए कि आप यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक की सभी चीजों को आप इंटरलिंक करके जितना आप पढ़ेंगे, जितना आपकी इंटरलिंकिंग अच्छी होती है, ध्यान रखिएगा कभी भी, उतना आपकी मेमोरी के लिए अच्छा होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि यूनिट नंबर 2 का कोई संबंध नहीं है यूनिट नंबर 9 से या यूनिट नंबर 10 से, तो आप गलतफहमी में है। इस प्रकार की चीजें होती ही नहीं है। यहाँ भी रिसर्च जब आएगी उसको मिक्स कर देंगे इसके साथ, तो इंटरलिंकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपका कंसेप्ट तो क्लियर है, आपका कंसेप्ट तो क्लियर है, लेकिन आपकी जब तक इंटरलिंकिंग अच्छी नहीं होगी हर यूनिट के साथ, आपकी जब इंटरलिंकिंग अच्छी नहीं होगी आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। सवाल अगर घुमा फिरा के पूछेगा तो आप उसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, कंसेप्ट आपको जो है, फिलहाल तो टाइम नहीं है इसलिए फिलहाल कहां पर फोकस करेंगे आप, फिलहाल फोकस करेंगे अपने PYQs के ऊपर कंप्लीटली। PYQs देखेंगे आप, 25 से 30 सवाल आपके रिपीट होते हैं, घुमा फिरा के थीम्स बेस्ड रहते हैं, सवाल रिपीट होते हैं। कई कई बार जब आपके पेपर में आइटम जो है खराब रहते हैं तो क्या करते हैं वो आप देखेंगे, एक बार सवाल आया था आपके समव्यवहारिक विश्लेषण से, ठीक है, समव्यवहारिक विश्लेषण से सवाल आया था, तो आपको देखिए 4 सवाल एक बार में डाल दिए थे। अब ये बिल्कुल ही बहुत ही खराब चीज है कि जिसने अगर ये पढ़ के क्या होगा समव्यवहारिक विश्लेषण के बारे में, उसका स्कोर अच्छा आएगा, और जिसका नहीं पढ़ के क्या होगा वो नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको ये भी फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से प्रत्येक यूनिट में आपके स्कोरिंग एरियाज हैं, उनको आप फाइंड आउट करके जाए, ठीक है। सेकेंड है आपकी, थर्ड है आपकी, फोर्थ है आपकी, कौन से ऐसे एरियाज हैं जो आपके लिए स्कोरिंग है। सबसे पहले देखिए इसके भी 2 मापदंड हैं यहाँ पर, काफी लंबा वीडियो हो जाएगा बट ठीक है, यहाँ पर देखिए इसके 2 मापदंड हैं। एक तो आपको मालूम है यूनिट नंबर 1 से लेकर 10 तक मुझे पढ़ना है, मैं पढ़ के रहूंगा, ठीक है। तो एक तो मापदंड है यहाँ पर क्या, वो है आपके NTA के अकॉर्डिंग क्या इंपॉर्टेंट यूनिट है, ये आपको पहले समझना है। मतलब ये क्या है, ये आइडियल सेल्फ है आपका, ठीक है, और उसी प्रकार से 1 से लेकर 10 तक पढ़ना है आपको, उसमें आपके लिए क्या आपके जो स्कोरिंग एरियाज हैं, स्कोरिंग पॉइंट्स हैं, वो आपको यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। ये क्या है, ये रियल सेल्फ है, ठीक है। तो जब तक रियल सेल्फ में और आइडियल सेल्फ में क्या नहीं देखने मिलेगा हमको, सामंजस्य हमको देखने नहीं मिलेगा, हमको कॉन्ग्रुएंस यहाँ पर देखने नहीं मिलेगा, तो आपका स्कोर इंप्रूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। NTA आपका जो है पूछ रहा है यूनिट नंबर 6-8 से सवाल ज्यादा, और आपकी स्ट्रॉन्ग यूनिट कौन सी है, आपकी है 6-5-4, ये आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, लेकिन सवाल एक्स्ट्रा कहां से पूछ रहा है, वो यहां से पूछ रहा है। तो अब क्या करना है आपको, इन दोनों के बीच आपको सामंजस्य बिठाना है, मतलब जो सवाल पूछ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको अपनी तैयारी करनी है,
ना कि आप अपनी तैयारी जो है कर रहे हैं, यूनिट नंबर 10 में अपना समय गवा रहे हैं और यूनिट नंबर 1 में अपना समय गवा रहे हैं, और भी कई सारी यूनिट्स हैं जिसके अंदर आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं, जिन टॉपिक्स को पढ़ने का कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, तो ये दो कैटेगरी को आपने अगर समझ लिया तो आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। इन दोनों के मध्य अगर आपने सामंजस्य बिठा लिया तो आपको जो है अच्छा स्कोर आएगा, आप नंबर स्कोर कर पाएंगे बढ़िया से। और उसी के साथ जो मेन चीज इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वो है आपकी इंटरलिंकिंग। जब तक आप इंटरलिंक नहीं कर पाएंगे तो आपके लिए काफी मुश्किल होगी, है ना। आपको केवल ये पता है कि मेडिटेशन क्या होता है, लेकिन उसको आप लिंक नहीं कर पा रहे हैं स्ट्रेस के साथ, उसको आप लिंक नहीं कर पा रहे हैं पर्सनैलिटी के साथ, उसको आप लिंक नहीं कर पा रहे हैं रिसर्च के साथ, उसको आप लिंक नहीं कर पा रहे हैं योगा के साथ, उसको आप लिंक नहीं कर पा रहे हैं आपके यूनिट नंबर 4 के साथ, तो आपका यहाँ पर नंबर आपके कम होंगे। आप देखेंगे जो अप्लाइड बेस्ड सवाल आते हैं वो इसी प्रकार से आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं आपके लिए। अगले 32 दिनों के लिए आपको जो है इस प्रकार से पढ़ना है इंटरलिंक करके। अभी तक अगर आपने कंसेप्ट वगैरह अपनी क्लियर कर लिए हो तो, नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, आप पढ़ सकते हैं जो पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ट्राई करें, मैक्सिमाइज करें किसको, अपने पीवाईक्यू उसको जितना आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं उतना आपके लिए बेहतर होगा। 2019 से लेके 2023 तक के कई बार आपको ये रिपीट किया हुआ है, ठीक है, तो भी आप लोग नहीं पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं, मत पढ़िए। ऐसे में फायदा किसका होगा, फायदा जो पढ़ रहे हैं उनका होगा, तो बिल्कुल मत पढ़ें। पीवाईक्यूज ना लगाएं, बिल्कुल भी मत लगाएं, ठीक है, ऑल राइट। और पीवाईक्यूज लगाएंगे तो आपका फायदा होगा। आप देखेंगे 2021 की जो फ्री प्लेलिस्ट है उसके सवाल आज तक आ रहे हैं, ठीक है, एक साल दो साल पहले किया हुआ काम आपको आज भी रिजल्ट दे रहा है यहाँ पर, तो इसका आपको ध्यान रखना है। ऐसी चीजों को आपको इंपॉर्टेंस देते हुए पढ़ना है, ठीक है। आप देखेंगे जून में सवाल आया था आपका, वो कौन सा था, एक्स क्रोमोसोम में क्या होता है, वाई क्रोमोसोम में क्या होता है, जेड क्रोमोसोम में क्या होता है, पी क्रोमोसोम में क्या होता है, ठीक है, सवाल था टर्नर में क्या होता है और अलग अलग डिसऑर्डर्स में क्या होता है, वो पूरा का पूरा आपको डिटेल में पढ़ाया था कहाँ पर, 21 में, 21 का सवाल देखा होता तो अगर आपने ये अपने वीडियोज में, आपने जो पढ़ रहे हैं बुक्स में वहां भी नहीं देखा है तो आपने वहां से कवर कर लेते इसको, ठीक है। तो आप ध्यान दें, इंपॉर्टेंस दें उस चीजों को, ये सारे सवालों जो है इनको आप देख के जाएं। 2021 वाला पेपर अच्छा था, उसके बाद आप देखेंगे पेपर जो है इसका जो लेवल है थोड़ा सा ड्रॉप होता जा रहा है और इसका जो ट्रेंड है वो भी यहाँ पर अलग होता जा रहा है, ठीक है। तो आप ट्रेंड के साथ बने रहेंगे तो आपके लिए फायदेमंद है, एल्स आपके लिए काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा, है ना। समय के साथ स्वयं को परिवर्तित करें, नहीं, समय के साथ स्वयं में परिवर्तन करें और क्या रहें, स्थित प्रज्ञ रहें, ठीक है। चलिए यहाँ थोड़ा पढ़ा देते हैं, स्थित प्रज्ञ, नहीं ऐसे नहीं, अच्छा ऐसे ही, ठीक है। ये जो स्थित प्रज्ञ है इसका मतलब क्या होता है उसको आप समझिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऐसे ही होता है स्थित प्रज्ञ, ठीक है। स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ बोले कि देखिए आप दे रहे हैं नेट का एग्जामिनेशन, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन आप दे रहे हैं, ठीक है, इसमें पीएचडी जीआरएफ सब कुछ काउंट हो गया है, आप इस एग्जाम को दे रहे हैं, आप यहां खड़े हैं आज, ठीक है। तो या तो देखिए इसके दो कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं आपके जीवन में, सबसे बड़े बड़े दो इसकी बातें होने वाली हैं, दो जीवन में आपकी चीजें होने वाली हैं, और वो क्या है, सबसे पहली यहां पर पास कर लेंगे आप, दूसरा कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, आप यहां पर फेल करेंगे। अगर आप पास को देखेंगे तो ये क्या करेगा आपको, ये आपको खुश करेगा, ये आपको हैप्पी करेगा, फेल को क्या करेगा, ये आपको दुखी करेगा, ठीक है। ये आपको देगा एक खुशी वाला माहौल, ये आपको देगा एक दुख वाला माहौल, ठीक है। अब देखिए समझिएगा हो क्या रहा है यहां पर, तो अगर आप स्थित प्रज्ञ हैं तो ना आपको इससे फर्क पड़ रहा है, ना आपको इससे फर्क पड़ रहा है, ना आपको खुशी से फर्क पड़ रहा है, ना आपको दुख से फर्क पड़ रहा है, ठीक है। यही बात क्या करती है, यही बात करती है आपकी यूनिट नंबर 1 भगवत गीता। भगवत गीता कहती है कि स्थित प्रज्ञ वो इंसान है, वो व्यक्ति है, वो योगी है जिसको क्या है, जिसको ना पास होने से गम है, ना खुशी होने से फेल है, मतलब समझ गए अपना, यस। तो ना खुश होने से वो खुश हो रहा है, ना वो एकदम उन्माद में आ जा रहा है, और ना ही दुख होने से एकदम अवसाद में चला जा रहा है, वही कौन है, वही आपका स्थित प्रज्ञ है। तो आप भी क्या करें, अगर आप पास होते हैं तो अच्छी बात है ना, और अगर आप दुख फेल होते हैं तो भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आगे आप फिर से ट्राई कर सकते हैं, उससे क्या नहीं होना है आपको, डिमोटिवेट नहीं होना है, निराश नहीं होना है आपको, ठीक है, ठीक है। तो भगवत गीता क्या कहती है कि स्थित प्रज्ञ वो है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पास हो फेल हो, यानी कि पूरी कहानी कहाँ पे आती है, कहानी आती है पूरे आपके कर्म के ऊपर, यानी कि आपके कर्म के ऊपर, ठीक है। वो जो आपने एक डायलॉग सुना, डायलॉग मतलब एक श्लोक सुना होगा आपने फेमस, वो कौन सा है, जो भी है, कि आप जो है क्या करें, आप कर्म करें, आप जो है किसकी चिंता ना करें, आप फल की चिंता ना करें,
ठीक है, डोंट केयर अबाउट द फ्रूट्स, फोकस ऑन द रूट्स, ठीक है, अपनी जड़ों पे काम करें, जड़ों पे काम करें इन द सेंस कर्म करते जाएं अपना और फल की चिंता ना करें, ऐसा कहते हैं आपकी भगवत गीता में कि जो कर्म करें फल की चिंता ना करें। तो ये जो बात है वही कहां पे लागू हो रही है, आपके स्थित प्रज्ञ में लागू हो रही है। अपना काम करते जाएं जो आप पढ़ रहे हैं नेट के लिए, करते जाएं करते जाएं करते जाएं, और यहां पर या तो आप पास होंगे या फिर फेल होंगे। इन दोनों ही केस में अगर पास हो जाते हैं तो आपको पूरी दुनिया नहीं जीत ली है आपने, आपने सिर्फ एक छोटी सी एग्जामिनेशन पास की है तो वो ठीक है, और फेल होते हैं तो आप दुनिया नहीं हार गए हैं, सारे परिवार वाले आपको छोड़ के नहीं चले गए हैं, आपने जस्ट एक एग्जाम पास नहीं किया है, बस इतना ही फर्क है, ठीक है। और ये जिस दिन हो जाता है आप क्या कहते हैं, आप स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं, ठीक है। तो आप जो देखते हैं साधु लोग, मतलब आज के साधु की बात नहीं कर रहे हैं, जो आइडियल साधु लोग हैं होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं, भिक्षा मिली तो भी ठीक है, भिक्षा नहीं मिली तो भी ठीक है, एंड बाकी सारी चीजें आपको मालूम ही है, फिलोसफी दर्शन की बातें। लेकिन यहाँ पे जो मेन कंसेप्ट था वो क्या था, वो था आपके यहाँ पर समझने का किसके बारे में, आपका था यहाँ पर स्थित प्रज्ञ के बारे में समझने का मेन कंसेप्ट था आपका ये, ठीक है। मेन कंसेप्ट गीता में दिया हुआ है आपके स्थित प्रज्ञ के बारे में, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव हो लाइफ में नेगेटिव हो, हर चीज में क्या है वो न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल की बात करते हैं यहाँ पर आपके स्थित प्रज्ञ के बारे में। ये था आपका कौन सा टॉपिक, ये था आपके इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी का एक टॉपिक, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है आपके स्थित प्रज्ञ की। इससे संबंधित कंप्लीट डिटेल लेक्चर देखने के लिए, एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए देखते रहिए आप इस चैनल पे वीडियो, और टेलीग्राम पे भी आप जो है यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, इससे संबंधित वीडियो और आपके जो एमसीक्यू प्रैक्टिस है वो जो आपकी जल्दी आने वाली है, तो उसके लिए आप यहाँ पर तैयार रहें दोपहर 12 बजे, जब भी आपकी अगली वीडियो आएगी 12 बजे यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आपकी यूनिट नंबर 1 इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। मेन कंसेप्ट आपने सीख लिया है, वीडियो आए चाहे ना आए, आप प्रैक्टिस करें चाहे ना करें, कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया है कि हमको क्या नहीं होना है, हमको भयभीत नहीं होना है और हमको उन्मादित भी नहीं होना है, मतलब हमको ना ही डिप्रेस होना है ना ही हमको यहाँ पर बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज हो जाना है अगर हम पास करते हैं या फिर फेल करते हैं, तो स्थित प्रज्ञ बने रहना है, ऐसा कहती है आपकी भगवत गीता के अंदर, ठीक है। तो इस बात को यहाँ पर आप ध्यान रखें। इसी के साथ यहाँ पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको थोड़ा बहुत जो है मिनी स्ट्रेटेजी रूप से मालूम पड़ गया है कि आपको क्या चीजें करनी है, डेट वगैरह एक्सटेंड हो सकती है नहीं हो सकती, वो सब आपको आइडिया लगा है। उसी के साथ आपको आइडिया लगा है किसके बारे में, आपको लगा है यूनिट नंबर 1 में भगवत गीता में एक टॉपिक है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो क्या है आपका इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी का टॉपिक आपका यहाँ पर स्थित प्रज्ञ के बारे में, और इसको आप इंग्लिश में कभी कभी देखा दिखाई देगा आपको स्थित प्रज्ञ इस रूप से भी, ठीक है। तो स्थित प्रज्ञ देखें आप, स्थित प्रज्ञ देखें, एक ही बात हो रही है यहाँ पर दोनों में, ना पॉजिटिव से आपको एकदम हाईफाई हो जाना है और नेगेटिव से आपको एकदम वो हो जाना है, ठीक है। ऑल राइट, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, और इसी प्रकार के इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी के और डिटेल्स लेक्चर देखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे कोर्स के अंदर, अगर आपकी इच्छा है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, फ्री लेक्चर्स का एंजॉय करिए। पीडीएफ वगैरह फ्री में जो मिलती है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर सेम नेम के साथ। लिंक्स वगैरह क्लिक करने से बचिए, लिंक्स वगैरह क्या है कभी कभी फिशिंग वगैरह हो जाती है तो उससे आप बचें। हमारे नाम से कोई भी आपको लिंक प्रदान करे तो बिल्कुल भी क्लिक ना करें उसके ऊपर, जब तक आप सर्च में जाएं, सर्च में जाके इसको टाइप करें एंड वहां से उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, इसी के साथ इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आई होप आपको कुछ ना कुछ तो यहाँ से बेनिफिशियल चीज मिली होगी, नहीं मिली है तो कोई बात नहीं, नीचे बता दीजिए कोई बेनिफिट नहीं मिला है हमको और कोई बेनिफिट नहीं मिला है हमको और कोई बेनिफिट नहीं मिला है हमको, या नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड जिनको मिला है वो क्या करें, वो इस वीडियो को लाइक कर दें और बता सकते हैं कि इनको बेनिफिट मिला है इस वीडियो से, कुछ नया सीखने मिला या नहीं, कुछ नया ट्राई करने का है ना, वो एक नया एड चल रहा है, ठीक है। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। इसी प्रकार से एनटीए जो है वो भी कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए आप यहाँ पर कि नए पैटर्न के लिए आप तैयार रहें। स्वागत है आपका, वेलकम टू साइको प्रोफेसर। अच्छा हाँ, एक बात और यहाँ पर कि आप वो अपनी रिसर्च की बुकलेट भी ऑर्डर कर सकते हैं, वो ऑर्डर नहीं की क्या आपने अभी तक, तो रिसर्च की बुकलेट भी जो है आप ऑर्डर कर सकते हैं। धमाकेदार 100 सवाल सेट है आपके, जो आपको रिसर्च का नॉलेज आपका जो है काफी ज्यादा बढ़ाएंगे, काफी ज्यादा इंक्रीज करेंगे। ऑर्डर करने के लिए आप जो है यहाँ पर मेल कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर, सॉरी नॉट नंबर के ऊपर, @gmail.com। ये जो स्पेलिंग है ध्यान से देख लीजिए, ये H नहीं है, ये N है, NET, ठीक है। @gmail.com पे आप ईमेल करके अपनी बुकलेट वहां से ऑर्डर कर सकते हैं, 7 से 10 दिन के अंदर आपके घर पहुंच जाएगी, और आप उसमें जो है 100 सवाल लगाएंगे घर बैठे आराम से अपने रिसर्च के, ठीक है। सारे के सारे सवाल जो है आपको यहाँ पर अंग्रेजी में है, इंग्लिश में है सारे के सारे सवाल, तो आप अगर इंग्लिश जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, बूझते हैं तो इंग्लिश में इसको ऑर्डर कर सकते हैं। हिंदी वाले हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है, अब वक्त किसका है, समय के साथ चलने का है, तो इसको यहाँ पर आप ध्यान में रखते हुए इंग्लिश में भी सॉल्व कर सकते हैं। नहीं आ रहा है तो फिर आप जो है कोर्स वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं उनमें से चीजें, और फिर आप आराम से उसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट,
ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, सी यू ऑल्सो, तब तक के लिए धन्यवाद।